महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए पंचकुला को चिन्हित किया है। इसलिए स्वाभाविक रूप से पूरे हरियाणा के साथ साथ इसका सबसे ज्यादा लाभ पंचकुला और आसपास के क्षेत्र को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में अनेक बड़ी गौशालाएं स्थापित हुई हैं। यहां बड़ी संख्या में गोधन को उपयोगी बनाने की दिशा में अनुसंधान केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, जो हमारे विधायक एमएलए हॉस्टल में या एमएलए फ्लैट्स में रहते हैं, उनकी काफ़ी दिनों से ये इच्छा थी कि ये जो खाली पड़ी बंजर जमीन है, जहाँ पर धूल उड़ती है और गर्मियों में सर्दियों में, वहाँ पर कुछ अच्छा पार्क डेवलप हो जाए। और उन्होंने दो तीन बार मुझे जाकर के कहा कि रात को अंधेरा होता है, अंधेरे के कारण वहाँ निकलते हुए भी डर लगता है। तो मैंने अपने अधिकारियों से, जो पीडब्ल्यूडी बीएनआर के और चंडीगढ़ प्रशासन के, इनसे बात की कि यहाँ पर हम एक अच्छा पार्क क्यों ना डेवलप करें। तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र पार्क के नाम से ये लगभग 1.5 एकड़ के अंदर जो पार्क है ये फैला हुआ है, और इसके ऊपर लगभग 90 लाख रुपए की लागत। राजकीय महाविद्यालय नलवा में एनएसएस की ओर से